हे गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑफ कैंपस वर्सेस ऑन कैंपस, दोनों में डिफरेंस क्या है। और आपको थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ें बताऊँगा कि भाई इस बार कैंपस प्लेसमेंट जो हुआ है आईआईटी में, आईआईटीज में जो प्लेसमेंट होता है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक, क्यों बेकार गया। मतलब कहीं कहीं बोला जा रहा है 30% तक कम प्लेसमेंट हुआ है। सिर्फ ये बीटेक की बात नहीं है, आप बोलोगे सिर्फ बीटेक में प्रॉब्लम आ रहा है, भाई बाकी कोर्सेस अच्छे हैं। सेम सिनारियो देखा गया है एमबीए में भी, आईएम में। अब यहाँ पर आईएम अहमदाबाद का तो प्रॉब्लम मैंने देखा नहीं, मैंने जैसे जो नए आईएम खुले हैं कंपेरेटिवली ए बी सी छोड़ के, अहमदाबाद बेंगलोर कैलकाटा छोड़ के, बाकी जो नया जैसे आईएम संबलपुर हो गया, आईएम रांची हो गया, आईएम रोहतक हो गया, ऐसे आईएम में कुछ प्रॉब्लम आया है। स्पेशली आईएम संबलपुर जो उड़ीसा में है उसका न्यूज़ मैंने देखा था, तो प्रॉब्लम है। खैर, ये प्रॉब्लम तो होता रहेगा और अच्छा भी होता रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताया तो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज गया था बीटेक का आईआईटी में 4 करोड़, अब की बार सिर्फ 2 करोड़ गया है, आधा हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो उस पर डिटेल एनालिसिस एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस पर आज बात करते हैं कि ऑफ कैंपस वर्सेस ऑन कैंपस प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या आता है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको पता लग जाएगा। सो ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपके कॉलेज में कैंपस मतलब कंपनीज जो है, कंपनीज विल कम टू योर कॉलेज, आपके कॉलेज में आएंगे वो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लेसमेंट का प्रोसेस चलेगा, प्लेसमेंट के प्रोसेस होंगे, प्लेसमेंट के प्रोसेस में क्या क्या होता है वो आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। प्लेसमेंट का प्रोसेस डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन से कंपनी में आप बैठेंगे। बट आप देखेंगे अगर टियर 3 कॉलेज में पढ़ता है कोई, तो वहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, आईटी कंपनीज आते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है आपको बता देता हूँ, आपका एक टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, सिंपल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग मतलब नंबर सिस्टम हो गया, वह लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया। अब एप्टीट्यूड में क्या आ गया, सिंपल मैथमेटिक्स, बोडमस के प्रिंसिपल आ गया आपके, प्रॉफिट लॉस आ गया, वर्क टाइम आ गया, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो उसमें होते हैं इसके क्वेश्चंस। अब कितने क्वेश्चंस होंगे वो कोई फिक्स नहीं है भाई, वेरी करता है। प्लस होंगे आपका टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल क्वेश्चंस डिपेंड करेगा वो कंपनी वाला किस प्रोफाइल के लिए हायर कर रहा है, प्रोफाइल पर डिपेंड करता है इन जनरल। बट अगर कॉमन बोलोगे तो यहां पर क्वेश्चंस होते हैं सी, सी प्लस प्लस एंड जावा से रिलेटेड मेजरली होता है। अभी पाइथन आ गया है, ये तो कॉमन से बता दिया। अब स्पेशल डिमांड भी हो सकता है किसी भी कंपनी का, वो डिपेंड करता है भाई कंपनी को किस चीज़ के लिए हायर करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है प्लेसमेंट में, उसका हम बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, ये टेस्ट हो गया। अब अगर मान लो बहुत अच्छा पैकेज दे रही है कंपनी, मान लो मोर देन 6 लैक्स पैकेज दे रही है, ठीक है, हालांकि आईआईटीज में अलाउ नहीं करते हैं 5-6 लाख वाले पैकेज को, मिनिमम 8-9 लाख। इस बार मिनिमम आईआईटी दिल्ली का 9 लाख है, इस बार 3 लाख उन्होंने घटा दिया, लास्ट ईयर 12 लाख था मिनिमम, उससे कम वाले को अलाउ नहीं करते हैं। बट टियर 3 कॉलेज में 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 20 हज़ार कम होते हैं, 1 लाख 80 हज़ार से स्टार्ट होता है इन जनरल, 15 हज़ार से सिटी से स्टार्ट होता है। तो अभी जो स्टैंडर्ड हो गया है, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इनका स्टैंडर्ड 2 लाख 40 से लेके 3 लाख 4.5 लाख 80 तक जाता है, एवरेज की बात करूँ, कहीं कहीं ज़्यादा भी है कम भी है, वो डिपेंड करता है। सो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, कोडिंग लिखवाते हैं आपको। ये कोडिंग किस तरह का होता है बता देता हूँ, ये कोडिंग होता है आपका, ये कोडिंग ऐसे जगह पर लिखवाएंगे, व्हाइट पेपर पर कोडिंग लिखा देंगे, कभी कभी बोलेंगे कोडिंग इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व करो, यहाँ पर आपका कोई बोर्ड देंगे वहाँ पर लिख के दिखाओ। तो भाई ये प्रैक्टिस करके रखना, अच्छे कंपनी ये करेंगे, आपको बोलेंगे स्पेस पर लिख के दिखाओ इस चीज़ का कोड क्या होगा बताओ, सिंपल पूछेंगे फंडामेंटल। बट आपका अगर स्ट्रांग है, लॉजिक अच्छा है, तो आप कर देंगे, तो सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा स्टेप हम बात करेंगे, ये वेरी करता है भाई,
सब जगह फिक्स नहीं होते, मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कहाँ पर कैसा होता है बेसिकली। यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर क्या होता है, स्टार्टिंग होता है हालांकि प्रेजेंटेशन से, कंपनी वाला आएगा और प्रेजेंटेशन देगा। यहाँ पर एक आपको ट्रिक बता देता हूँ बिकॉज आप मेरे वीडियोस को देखते हो, प्रेजेंटेशन के टाइम में जो इंटरव्यू लेने आएगा वो बोलेगा कि भी मेरे को 2 या 3 वॉलेंटियर चाहिए इस इंटरव्यू प्रोसेस को स्मूथली चलाने के लिए। तो चाहे वो मास रिक्रूटिंग कंपनीज में ज़्यादातर ऐसे करते हैं, ठीक है, तो भाई फटाक से उठ के चला देना वॉलेंटियर बनने के लिए, आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर वो एचआर लड़की है तो होने का चांसेस और बढ़ जाएगा। कपड़े अच्छे से पहन के जाना, ब्रश व्रूश अच्छे से करके जाना, बाल अच्छा कटा होना चाहिए, दाढ़ी वगैरह शेप करके जाना, ठीक है, समझ गए। प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ, काम करता है जबरदस्त जो भी इंप्लीमेंट करोगे। लड़का है तभी चलता है, लड़की है तभी चलता है। आप कैसे कैंडिडेट हो, लड़के हो आप लड़की हैं, उठ के जाओ फटाक से वॉलंटियर बन जाओ, होने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, हो गया एप्टीट्यूड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होता है, अगर मान लो कंपनी वालों को मास एलिमिनेशन करना है, जल्दी से निकालना है, मतलब बस कुछ ही लोगों को चूज़ करना है फटाफट, पहले वो क्या करवा देंगे, जीडी करवा देंगे। जैसे मैं जिस टाइम पढ़ रहा था, एक कंपनी आई थी, एक कंप्यूटर साइंस की कंपनी थी, मैं तो गया था ऐसे ही, SEO के बारे में कंपनी थी, मेरा तो हो गया था बट मुझे इंटरेस्ट नहीं था कंपनी में, बिकॉज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मेरे को उस टाइम तक बहुत अच्छे से आता था। सो, उन्होंने जीडी करवा दिया और जीडी में जो जो अच्छे लगे उन्होंने चूज़ कर दिया और पर्सनल डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू करवा दिया, और उन्हें कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करवाया, जीडी के बाद डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू और उसी में एचआर इंक्लूड थी। तो ये जीडी चांसेस है होगा आपका, कब होगा वो डिपेंड करता है। फिर आपका होगा टेक्निकल राउंड, टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होगा और उसके बाद एचआर हो सकता है या फिर उसी के साथ एचआर हो सकता है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो मेनली ये प्रोसेस होता है आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो आप बोलेंगे सर तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ऑफ कैंपस की बात करता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं सर देखो ये आपके कॉलेज में आते हैं और यहां पर क्या है, नो कॉन्टैक्ट, कुछ भी कॉन्टैक्ट नहीं मिलने वाला है, नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिलने वाला है, कोई प्रोसेसिंग होने का चांसेस भी कम है। आप नेट पर देखते होंगे सर ये सारे इतने सारे कंपटीशन निकलते हैं, इंटर्नशिप निकलते हैं, अप्लाई करके देखना पता लगेगा। फिर यहाँ पर अगर जॉब लेने का चांसेस 20-30% है, यहाँ पर 1% भी नहीं है। गेटिंग गुड जॉब थ्रू ऑफ कैंपस, मैं आपको डिमोटिवेट करना नहीं चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। गेटिंग गुड जॉब थ्रू ऑफ कैंपस इज लाइक गेटिंग यू नो गवर्नमेंट जॉब, जितना टफ हो जाता है। कोई ऐसे कंपटीशन का प्रोसेस होता नहीं इन जनरल, कुछ कुछ है आईटी कंपनी में बट वो भी लिमिटेड है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, इसलिए लोग स्ट्रगल करते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो ऑफ कैंपस में कैसे सिलेक्शन होता है आपको बता देता हूँ, जो बच्चों ने मेरे स्टूडेंट ने जॉब लिया है। तो आईटी में तो क्या होता है भाई, अप्लाई करते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, रिज्यूम लिंक्डइन के थ्रू कैसे अप्लाई कर दिया उन्होंने, उसमें क्या होता है इन जनरल कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, इंटरव्यू होता है। प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर पहुँचना वहाँ तक मुश्किल होता है। तो अगर आप Tier 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट्स बनाओ ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाओ, अच्छे परसेंटेज लाओ ताकि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हो पाए। कहानी समझ में आ गया, अच्छे परसेंटेज लेके क्या करोगे, आपका आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको डर लग रहा है आ नहीं पा रहा है तो भाई मेरा एक प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लेना, दिसंबर में ऑफर है इसका, है अभी 299 रुपीज का है, वीडियो को देख रहे हो इसलिए कितना लगेगा आपका 199 रुपीज है। इसमें 3 चीज़ें सिखा रहा हूँ, कम्युनिकेशन वो इंटरव्यू में काम आएगा, बेसिक फंडामेंटल से 0 लेवल से ठीक ठाक लेवल तक, बढ़िया लेवल तक सिखा रखा मैंने, एंड एज वेल एज मैं सिखा रहा हूँ कैसे बीटेक में पढ़ाई करोगे, एमटेक कैसे, मतलब पढ़ाई कैसे करोगे इफेक्टिवली, एंड तीसरा सिखा रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखोगे ताकि बहुत अच्छा स्कोर आए। मेनली ये 3 चीज़ें हैं, बाकी और भी चीज़ें हैं बट ये 3 चीज़ें सीख जाओगे। इसका प्राइस अभी 299 रुपीज़ है, जनवरी से 499 होगा, बट आप देख रहे हैं इस वीडियो को इसलिए इसका प्राइस आपको पड़ेगा 199। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और 100 रुपये डिस्काउंट के लिए प्रोमो कोड भी है, जाने मत देना। इसी इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज़ करके मैंने कॉलेज टॉप करा है, बीइंग बिलो एवरेज स्टूडेंट, मेरे को कुछ नहीं पता अंग्रेजी में क्या होता है, और मेरे काफ़ी सारे बच्चों ने करा है जो ऑफलाइन मेरे से पढ़े हैं, मेरे काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया जो ऑनलाइन भी मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, दोनों जगह पर ये प्रूवन है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है, दैट्स इट, और इंटरव्यू कोई टफ टूप नहीं होता है, बट यहाँ तक पहुँचना टफ है,
इंटरव्यू इतना टफ नहीं होता, ये से 50 प्रोसेस नहीं होगा भाई, ना इतना टाइम नहीं उनके पास, समझ रहे हो। लेकिन कोडिंग में, कोडिंग तो होगा, बस मेजरली जो इंपॉर्टेंट है वही पूछेंगे आपसे, बिकॉज पहुंचना ही टफ है, सारे पहुंच नहीं पाते, यहाँ पर तो सारे पहुंच जाएंगे कॉलेज कैंपस में, हो चलो चलो चलो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया जॉब का प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट मतलब सैलरी किसमें ज़्यादा मिलता है भाई, सैलरी हमेशा 99.9% चांस है आपका ऑन कैंपस में ज़्यादा सैलरी मिलेगा ऑफ कैंपस से। कहानी समझ में आ गया आप लोगों को, जॉब मिलने का इजी कहाँ पर है, डेफिनेटली ऑन कैंपस जो आपका है बहुत इजी है, मच इजियर, ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल से मिलता है, मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं, मिलता है, बहुत टफ है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथा पॉइंट की, हम बात कर लेते हैं कि सर एक चीज बताओ, ऑन कैंपस में सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताओ आप क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जॉब लगने के बाद भी बहुत टाइम मैंने देखा है ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, बट ऑफ कैंपस में ऐसा मैंने सुना नहीं है, नेवर हर्ड अबाउट दिस, नेवर एवर मैंने इस तरह का सुना नहीं अब तक, अब हुआ होगा मुझे नहीं पता, बिकॉज यहाँ पर तब भी इंटरव्यू होगा जब आपका नीट होगा, यहाँ पर क्या होता है बिना नीट का भी कभी कभी इंटरव्यू हो जाता है, और वो प्लेसमेंट के चक्कर में पता नहीं क्या करता रहता है, मतलब वो कॉलेज वालों को दिखाना होता है ना, तो या फिर जो भी है, या कंपनी वालों को पता नहीं होता है नीट का, ज़्यादा हायरिंग ओवर हायरिंग कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा पाँचवें नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। ऑन कैंपस प्लेसमेंट आपका हो गया तो आपके दिमाग में प्रेशर कुछ नहीं होगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रेशर नहीं होता है, नो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं, कॉलेज वाले अब सुने बच्चा का प्लेसमेंट हुआ है, बढ़िया पता लग गया, ओ ये अच्छा है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हो मेरा जॉब लग गया, कैंपस प्लेसमेंट हो गया, ओहो जबरदस्त, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब प्लेसमेंट नहीं होता है कैंपस प्लेसमेंट, तो भाई ट्रमंडस प्रेशर आपके दिमाग में आके फंस जाता है, तो इससे कैसे बचे, इससे बचने का उपाय आपको बता देता हूँ, इससे बचने का एक ये बहुत से लोग फेस करते हैं, मैंने फेस करा है सिर्फ 10 दिन के लिए, ओनली फॉर 10 डेज, क्योंकि मेरे को ये सब जॉब जॉब करना नहीं था, मेरे को नौकरी नहीं करना था भाई कंपनी में, मेरे को टीचिंग करना था, तो कंपनी ने ना कोई गवर्नमेंट जॉब करना दिया, मैंने एग्जाम क्रैक हुआ, जाना नहीं है। सो 10 डेज मेरे को प्रेशर फेस करना पड़ा, मुझे पता लगा था भाई ये बहुत डिफिकल्ट है, और मैंने देखा है मेरे साथी जो रहे हैं जिनका जॉब स्टेबल जॉब अभी भी नहीं है बहुत सारे का, तो क्या प्रेशर फेस करते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। वो 10 दिन मुझे पता है, उस दिन पता लग गया था ह्यूमन नेचर कैसे होते हैं, हालांकि ये प्रॉब्लम मैंने सिर्फ फेस नहीं किया है, कई फेस कर चुके हैं, ऐसे ही मेरे स्टूडेंट, एक आसाम की स्टूडेंट थी, उसके स्टोरी मैंने पॉडकास्ट किया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप पॉडकास्ट सुन लेना, उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस करा है आपको पता लग जाएगा। अभी तो हालांकि वो इसमें है, एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो आपको उससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, मतलब उस नॉलेज से। एक नया पॉडकास्ट अगर आप चाहते हो मैं शूट करूँगा कैसा उनका ज़िंदगी जा रहा है, सो थोड़ा बिजी है अपने लाइफ में, अदरवाइज मैं वो शूट कर दूंगा वेरी सून, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा। सो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इससे बचने का की तरीका है, फर्स्ट घर वालों को पहले ही इन्फॉर्म कर दो भाई हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, पहले ही बता दो आपके प्लान के बारे में, क्या आगे करने वाले हो, इंस्टेंटली वो हजम नहीं कर पाएंगे, स्टार्टिंग से बोल दोगे सच्चाई, हो सकता है इनिशियली बोलेंगे चलो बेकार कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बाद में बोलेंगे नहीं यार बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपके पास कुछ होना चाहिए, होना चाहिए उनको दिखाने के लिए आप कुछ कर रहे हो, बिकॉज वो आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट कोई करता है तो भाई आउटकम सोचता है समझ रहे हो, तो क्या हो गया, ठीक है, तो ये पहले बता दो फर्स्ट। सेकंड, प्रेशर घर वालों से तो आता है, बट बताऊं ज़्यादा किससे प्रेशर आएगा, खुद से, ये इसको जॉब लग गया, उसको जॉब लग गया, वो जॉब गया, मैं क्या करूँगा, सेल्फ डाउट करना बहुत दिक्कत है, इसलिए आप प्रॉपर पहले प्लान कर लो भैया यहाँ पर जॉब तो लगेगा नहीं, मैं खुद का प्लान करूंगा मुझे क्या करना लाइफ में और तरीके से काम करूंगा। देखो बहुत सारे ना डीमोटिवेट फील करते हैं, हम तो इतने तेज नहीं हैं, हम इतने सुंदर नहीं देखने में, ऐसा होता है मुझे पता है, और हमारे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो आप लोग फेस करते हैं, तो मेरे दोस्त आपको बताऊं, इस दुनिया में आए हो तो भगवान ने कुछ आपके लिए रखा है, बस देरी उस बात की है, आपको उस चीज़ को ढूंढना है,
अगर आप ढूंढ लेते हो तो मौज है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ओके, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली मेजर डिफरेंसेस मैंने आपको बताया ऑन कैंपस ऑफ कैंपस से, मेजर क्या डिफरेंसेस आप फेस करते हैं। तो इन पांच में से आपको क्या लगता है कौन सा बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप मुझे बताना। क्या ऐसा कोई डिफरेंस है जो मैं यहां पर बताया नहीं, वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। और प्लेसमेंट नहीं होने के बाद अच्छा लाइफ कैसे बनाएंगे, चाहते हो ऐसे वीडियो तो मुझे बताना, मैं बना दूंगा। और क्या प्रेशर फेस करते हैं, मैंने आपको बताया घर वाले फोन करते हैं, बेटा जॉब का क्या हुआ, हो सकता है घर में पैसा ना हो। मेरे केस में क्या होता, हमारे उस टाइम मेरे पापा खेती करते हैं, अब करते थे भी, तो खेती के बदौलत मैं पढ़ाई लिखाई करा हूँ, बाकी बच्चे भी हमारे घर में पढ़े हैं बिकॉज ऑफ ओनली फार्मिंग। सो आई रेस्पेक्ट लॉट दैट प्रोफेशन। अभी मैं भी फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट चल रहा है मेरा काम। सो उस टाइम क्या था ना, हेल स्टॉर्म जानते हो, ओले ओले गिर गया था, धान धुन सब खत्म हो गया था, घर में पैसा नहीं था। पापा बोले भाई अगर जॉब लेंगे ना घर आ जा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे घर वाले ये नहीं बोला कि वो बोले जॉब लेना, मैं पहले ही बता दिया था जॉब नहीं करना है। मतलब मम्मी को भी बता दिया, पापा को भी बता दिया, जॉब नहीं करूँगा, पढ़ाऊँगा मैं। तो उन पापा, अभी मैंने इंटरव्यू दिया है, ये बताऊँ कब, जस्ट एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ, मान लो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 25, पापा बोले 27-30 को, 5 दिन बाद आ जा भाई घर। और बहुत अलग तरीका का टोन होता है उस टाइम, बिकॉज उनको भी ख़राब लगता है, कहीं ना कहीं इससे सुनने को मिलता है, पढ़ाई करा था, बड़ा बोलता था, टॉप करता है, कहाँ नौकरी लगा नहीं उसका, ऐसा होता है ना। तो 10 दिन, मैंने पता था कि मेरा इंटरव्यू दिया है तो मेरा जॉब तो लगना है 100%, टीचिंग जॉब लग जाएगा, बिकॉज मैं टॉप किया हूँ इस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर लग ही जाएगा, मेरे को पता था। इंटरव्यू दिया मैंने 5-6 जगह दिया, ठीक है, और मुझे पता था टीचिंग जॉब कैसे लेना है, ये मुझे पता लग गया था। आई डिड फाइंड दैट वे टू गेट टीचिंग जॉब इन गुड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो मैंने इंटरव्यू दिया यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, तो 2 दिन बाद मेरे को कॉल आ गया, तो लगभग 8 दिन हो गया था, तब मैं घर वालों को बताया नहीं, मैं चलो थोड़ा सा और सिचुएशन को देखता हूँ क्या घर वाले बोलते हैं, लोग क्या बोलते हैं। फिर घर वालों ने नहीं, रिश्तेदार फ़ोन करना शुरू कर दिया, हाँ भाई क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ पर जॉब है। मैंने जॉब तो अभी लगा नहीं, मैं लग गया था लगा नहीं, मतलब उस टाइम सैलरी थोड़े कम दे रहे थे वो कॉलेज वाले, तो मैंने मना, मैंने अब होल्ड पर रखा था, मैं चलो ठीक है बताऊँगा आपको, 12,000 ऑफर कर रहे थे उस टाइम, 2012 की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम 12,000 मतलब बहुत ख़राब नहीं, बहुत अच्छा भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने क्या करा भाई, नहीं तो मैंने फिर वेट करा, बताया नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला क्या चल रहा है भाई क्या, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा, कुछ कर यार, पापा ने कष्ट करके पैसा दिया, कुछ तो कर, ठीक है। उनको बताया नहीं कि भाई ये सर काम हो चुका है। तो 4-5 दिन गया मेरा कहानी, तो उसके बाद जिस एक जहां मैंने स्टार्ट किया पहला जॉब, वहां से कॉल आया कि सर यू हैव बीन सिलेक्टेड, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सो जस्ट सेंड अस थ्रू मेल एंड और रिप्लाई अस थ्रू मेल विच मेल यू हैव रिसीव फ्रॉम अस। मैं ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो मैंने रिप्लाई करते येस आई विल ज्वाइन, बिकॉज वो मेरे को 17,000 दे रहे थे उस टाइम, 17,000 थोड़ा अच्छा सैलरी था, हिमाचल प्रदेश को घूमने का मौका भी मिल गया, बिकॉज वो हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी था, अभी भी है। सो वहाँ पढ़ाया मैंने जाके, तो उस टाइम भी बताया नहीं मैं कितना सैलरी मेरा है। तो इसलिए अभी क्या हुआ ना, इससे कज़न वगैरह होते हैं, थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, और स्पेशली बताऊँ कज़न वगैरह प्रॉब्लम कब आता है, जब आपके रिलेटिव आपसे ज़्यादा अमीर है, आपके पापा खेती करते हैं, बाकी जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं। भाई एक बार बताता हूँ, बहुत सारे ना बच्चे सोचते हैं, आप सोचते हैं मुंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ना भाई, ना दिल्ली में रह चुका हूँ यार, लगभग नॉर्थ इंडिया के हर सिटी में रह चुका हूँ, एक कोई 2-4 महीने नहीं, सालों रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, बकवास, मतलब बकवास तो नहीं बोलूँगा भाई, बस रहने लायक जगह नहीं बता रहा, इतना प्रदूषण होता है यार। सबसे बढ़िया रहने के लिए Tier 2 सिटी, और सबसे बढ़िया बता रहा हूँ घर के आसपास रहना। जैसे आप घर वाले कॉल करा, आप 2-4 घंटे में बाइक लेके गाड़ी लेके पहुंच गए घर, सबसे बढ़िया ही होता है। आफ्टर हैविंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 15 साल होने के बाद आपको बता रहा हूँ ये बात, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो, बिकॉज आप में होगा, मैं जाऊँगा विदेश जाऊँगा, मैं जाऊँगा मुंबई जाऊँगा, आपके घर के आसपास चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट आई डोंट रिकमेंड यू टू स्टे अवे फ्रॉम योर होम इफ़ यू हैव दैट ऑप्शन टू अर्न मनी, टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, ये मत करो, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गया, तो भाई अब क्या हुआ, आगे स्टोरी कभी और बताऊंगा, इस पर एक स्टोरी बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।